हेलो दोस्तों, राज इंडक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं इंडक्शन का जो SMPS होता है, जैसे फिलिप्स कंपनी का, हर कंपनी में एक SMPS लगी रहती है इंडक्शन के PCB में, तो वो जो PCB अगर पावर सप्लाई अगर आपसे रिपेयर नहीं हो पाता है तो क्या करोगे। तो हमारे पास एक मॉड्यूल है, ये देखिए चाइना लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा, ये मॉड्यूल इंडक्शन का मॉड्यूल आता है। अगर SMPS जैसे 8 पिन का IC लगा रहता है, वो नंबर जैसे वाइपर 12, 80, 20 ऐसे बहुत टाइप के नंबर आते हैं। अगर आपसे वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे, तो वहाँ पे मॉड्यूल लगाते हैं। जैसे हम ये मॉड्यूल को कैसे लगाते हैं, इसका वर्किंग क्या है और कितना सप्लाई आउटपुट करता है, कितना इन करता है, आज मैं मॉड्यूल के बारे में आपको थ्योरिकल बताऊँगा, यानी इसका सिद्धांत क्या है। आप जैसे थ्योरी समझ जाओगे तो प्रैक्टिकली अच्छे से समझ जाओगे, तो मैं थोड़ी सी अपना दूसरी स्टाइल में आपको बता रहा हूँ कि इसका एक्चुअली काम क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, जैसे मेरे पास PCB है, ये आपको ये आगे की वीडियो में बताया था कि ये जो पावर सप्लाई है 8 पिन का IC, जो वाइपर बार IC लगा है, ये ख़राब हो गया। अगर यहाँ पे वाइपर बार IC डालोगे तो चालू नहीं होगा, हो सकता है मैच नहीं करता है, छोटी छोटी कंपोनेंट ख़राब हो जाती है, जो SMD के रूप में है, SMD के रूप में है। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल की बात करेंगे, ये चाइना मॉड्यूल है। तो इसको कैसे लगाते हैं, इसका वर्किंग क्या है, ये क्या होता है, ये देखिए ये छोटी सी मॉड्यूल है, इसको कहीं से भी PCB में लगा सकते हैं और कहीं पे इसको अपने इंडक्शन के बॉडी में इसको फिट कर सकते हैं, आसानी से फिट हो जाता है। इसमें आपको बताया था हम, देखिए सबसे पहले यहाँ से ये मॉड्यूल के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट है, एक वाइपर बार IC है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पे छोटी छोटी कैपेसिटर लगा हुआ है और एक IC लगी है जो A7805 IC लगी है। तो इसका वर्किंग क्या है और इसका सिद्धांत क्या है, मैं आपको आज थ्योरिकल बता रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल भी बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए इसमें वाइपर बारा IC लगा है, तो मैं क्या करूँगा, ये मॉड्यूल में DC सप्लाई, कितना DC सप्लाई इनपुट, हम DC सप्लाई मॉड्यूल में क्या करेंगे, यहाँ पे 250 वोल्ट DC सप्लाई देंगे, यहाँ 250 वोल्ट DC सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे DC सप्लाई हमारा यहाँ पे 250 वोल्ट इन करेगा, ये देखिए यहाँ पे इन करेगा, यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इन करेगा 250 DC सप्लाई और हमारा आउटपुट क्या करेगा, इधर से आउटपुट दो सप्लाई करेगा, यहाँ पे दो इनपुट दो आउटपुट। तो हमारे इंडक्शन के PCB में, जैसे मेरे पास इंडक्शन के PCB हो गया, इसकी पूरी वर्किंग कराने के लिए दो सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी सप्लाई ज़रूरत पड़ती है, पहला होता है आपका 5 वोल्ट, जो आपका डिस्प्ले में लाइट आती है, बजर बजता है और माइक्रो कंट्रोल को IC को स्टैंड बाई करने के लिए हमको ये 5 वोल्ट ज़रूरत पड़ता है, क्या ये 5 वोल्ट जरूरत पड़ता है। और दूसरी जो होती है, फैन चलाना है हमको और IGBT को गेट पे सप्लाई देना है, तो 18 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, 18 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे इंडक्शन के PCB में आपको बता देता हूँ कि दो सप्लाई, अगर ये 5 वोल्ट सप्लाई नहीं बनेगा तो आपका इंडक्शन ऑन नहीं होगा, ना ही डिस्प्ले आएगा और ना ही बजर बजेगा। तो ये 5 वोल्ट सबसे बनना जरूरी है, जो माइक्रो कंट्रोल IC को स्टैंड बाई करेगा। तो ये सप्लाई कहाँ से आता है, तो इंडक्शन के SMPS से आता है। अगर इंडक्शन के SMPS ख़राब होगा तो ये सप्लाई नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम SMPS को रिपेयर करते हैं, लेकिन रिपेयर नहीं हो पाता है, तो उसके जगह पे हम एक मॉड्यूल, जैसे आपको बताया हूँ, ये मॉड्यूल क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है, यहाँ मॉड्यूल को मैं लगा दूंगा। ये देखिए ये मॉड्यूल लग गया PCB में, तो हमको यहाँ पे सप्लाई दे दिया, कितना 250 वोल्ट 230 वोल्ट DC सप्लाई देना है। तो PCB में DC सप्लाई आता कहाँ से, तो आसान है, 450 वोल्ट का कैपेसिटर आपको बता रहा हूँ, जो थी आपको ये देखिए, जो यहाँ पे 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है SMPS में और 8 पिन की IC के पास लगा रहता है, यहाँ पे आपको DC सप्लाई आ गया। तो क्या करना है आपको, यहाँ से DC सप्लाई इसको निकाल लेना है, दो तार, एक कैपेसिटर को हटा दो, यहाँ प्लस और माइनस निकालो और सीधे मॉड्यूल के यहाँ पे डाल दो, ये प्लस लिखा हुआ रहता है और माइनस लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे डाल दो। जैसे हम आपके इंडक्शन पीस में 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है, इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस डाला है 1 वाट में। तो एक्चुअली इसका वर्किंग इसी टाइप का है। तो हमारे क्या होता है, कभी कभी बहुत कोई क्या आप मेरे को कॉल करके पूछता है, सर हमारा इंडक्शन ऑन नहीं हो रहा है, तो 5 वोल्ट को चेक करो। तो 5 वोल्ट आपको मिलेगा कहाँ पे, तो आपके इंडक्शन के PCB में एक तो रेगुलेट IC लगी रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ, में 5 वोल्ट बनता है। तो 5 वोल्ट कैसे बनता है, कौन PCB में कहाँ पे लगा रहता है, 18005, तो एक ट्रांजिस्टर जैसा आपको मैं बता रहा हूँ, तो एक ट्रांजिस्टर जैसा किस टाइप का आपको दिखेगा, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कैमरा में, एक ट्रांजिस्टर जैसा एक IC लगा रहता है 18005, ये ट्रांजिस्टर जैसा है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, उसमें लिखा रहता है L7805, तो वहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है, ऐसे मैं लगा दी यहाँ पे ट्रांजिस्टर को, ए वाले पिन पे आपको 5 वोल्ट चेक करना है, ए वाले पिन पे आपको 5 वोल्ट चेक करना है, ए वाले पिन पे 9 वोल्ट चेक करना है। तो सबसे पहले होता क्या है हमारे PCB में, सब कोई चेक कर लेता है, तो अगर आपका
फ्यूज भी सही है, सप्लाई भी सही बन रहा है, वाइपर बार आईसी के में 300 वोल्ट आ रहा है, कैपेसिटर में आ रहा है, तो उसके बाद आपको सीधे कहाँ पे चेक करना है, 7805 के इनपुट। इसमें तीन लेग होती है। ए होता है जैसे हमारे तरफ आपके तरफ अगर नंबर है तो पहला होता है इसमें आउटपुट, ये थोड़ा सा जो रहता है इसका उल्टा है, जो और में लगा रहता है उसका अलग सिद्धांत है। तो इस पीसी अगर इंडक्शन पीसी में जो लगा रहता है 7805 की उसकी बात मैं कर रहा हूँ, पहला होता है आउटपुट, दूसरा होता है ग्राउंड। जितने सारे रेगुलेट आईसी होते हैं 7805, 7812, 7818, उसमें बीच वाले क्या रहता है, माइनस रहता है। हमारा बीच वाला माइनस हो गया और उसके बाद जो ए वाला पिन है ये 5 वोल्ट हो गया और ए वाला पिन है 9 वोल्ट हो गया, राइट। तो क्या होता है कि हम इसको 9 वोल्ट देंगे, किसको, 7805 को हम 9 वोल्ट देते हैं। यहाँ पे हम 9 वोल्ट दे रहे हैं इसको, तो हमको 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। ये 5 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, आपका माइक्रो कंट्रोलर जो आईसी लगी रहती है इंडक्शन में, जैसे इसमें क्या है, इस टाइप का आईसी जिसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, ये वाला आईसी इस आईसी में जाएगा। उसके बाद आपका डिस्प्ले में जो आईसी लगी रहती है 16 पिन का, जो उसमें 16-28 जम्बर अधिकांश नंबर आते हैं उसमें भी जाएगा। तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी को में जब ये 5 वोल्ट जाएगा तब आपका इंडक्शन क्या होगा, स्टैंड बाई होगा, उसमें बजर बजेगा और लाइट आएगा। तो आपके अगर इंडक्शन में पूरा डेड है, बजर नहीं बज रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो उस आईसी को चेक करना है सप्लाई। अगर यहाँ पे मान लो कभी कभी आपको 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 9 वोल्ट आ रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा सप्लाई आगे जा रहा है वो ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप करने का मतलब समझ गए होंगे कि हमारा सप्लाई क्या है, कि आगे दबा रहा है सप्लाई, यानी कुछ उसको ज़्यादा खा रहा है। तो क्या होता है कभी कभी जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगी रहती है, ये मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर आईसी हो गया मेरा, यहाँ पे अगर ये आईसी लगी है तो क्या होता है कि अगर आईसी जो लगी है ये आईसी शॉर्ट हो जाती है। ये आईसी क्या होता है, शॉर्ट हो जाती है, तो हमको यहाँ पे 2 वोल्ट 3 वोल्ट मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपके पास पीसीबी अगर आता है तो इस टाइप का आपको रिपेयर करना है। अगर 5 वोल्ट मिल रहा है, क्या अगर 5 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे, तब भी मेरा लाइट नहीं आ रहा है, बजर नहीं होता है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे मेमोरी कार्ड में गाना डाउनलोड होता है, फोटो होता है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रोग्राम, क्या इस आईसी में एक प्रोग्राम, जैसे आपको अच्छे टाइप से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा आईसी हो गया, माइक्रो कंट्रोलर आईसी हो गया, यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना दिया, राइट। ये देखिए ये मेरा आईसी का पिन हो गया, सब पिन है मेरा, यहाँ पे पिन का मैं दे दिया। अब बात करते हैं कि हमारा आईसी इसमें 5 वोल्ट आ गया और यहाँ पे इसको माइनस मिल गया, मान लो ये पिन पे ग्राउंड मिल गया, तो हमारा आईसी ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो इसके अंदर एक प्रोग्राम होती है, जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी होती है उसके अंदर एक प्रोग्राम होती है। उसमें क्या होता है आपको बता रहा हूँ कि हमारा इंडक्शन में जो E9, E7, E3 ये सब एरर आता है इस आईसी के अंदर में क्या होता है, डाउनलोड होता है। मान लो यहाँ पे हमको E6 आ रहा है, तो ये आईसी में डाउनलोड है तभी जाके E6 आ रहा है। तो जितने सारे प्रोग्राम होता है E6, E7, E9 आईसी में प्रोग्रामिंग की रहती है एरर कोड का, तो इसके नाम से आपको डिस्प्ले में E6 वो करता है। तो आपको क्या होता है कि सर बहुत कोई क्या करता है कि सीधे आईसी को बदल देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम आज तक कम से कम बहुत सारे इंडक्शन रिपेयर कर किए हैं, हमारे अपने अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, एरर कोड में 90% आईसी सही रहती है, 10% ही आईसी खराब होता है। तो आपको बहुत कोई क्या करता है, एरर कोड आता है, थोड़ा सा मेहनत करता है, उसके बाद रिजेक्ट, अरे आईसी खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपको क्या करना है कि उसमें चेक करना है पीसीबी को, आप इतना भरोसा रखो कि आपको 99% बोल रहा हूँ कि आपका आईसी सही रहता है, बहुत कम, यानी बहुत कम है कहने का मतलब, मान लो आप 10% ही होता है कि आपका आईसी क्या होता है, खराब होता है एरर कोड में। तो अगर आप ऐसा रिपेयर करोगे, आपको ये थ्योरिकल में बताऊँ, प्रैक्टिकल भी अच्छे तरह से बताऊँगा। तो आज मैं इसके बारे में बताया, पावर सप्लाई के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आकर आप वीडियो इस टाइप का आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे को कमेंट में बोलेंगे, सर इस टाइप का मेरे को वीडियो थ्योरिकल समझ में आ रहा है, तो मैं आपको इस टाइप का वीडियो भी आपको दूंगा। अगर आप क्या बताता हूँ, अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो हम ऑनलाइन कोर्स ऐसे सिखाते हैं और इसको प्रैक्टिकली बताते हैं, उसके बाद डायग्राम में बताते हैं। तो अगर आप मेरा ऑनलाइन कोर्स सीखना चाहते हो तो मेरा नंबर है आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, आप मेरे को वहाँ पर कॉल करो और मेरे से डिटेल्स में जानकारी लो कि सर ऑनलाइन कोर्स कैसे करेंगे। हमारे क्या होता है, जितने सारे ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं सबके ग्रुप बनाए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, अगर मैं बिजी हूं तो बता देगा, अगर उसमें भी अच्छे अच्छे भी मैकेनिक है हमारे साथ जुड़े हैं जो ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप भी हमसे फोन में बात करना चाहते हो, तो मेरा नंबर पर फोन करो और हमारे साथ जुड़ो। और आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको इंडक्शन रिपेयर करना हम सिखाएं
पाएंगे हम, बस आपको मेहनत करना है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो थी आपको डेमो के लिए। अगर ये वीडियो आपको ऐसा इस टाइप का समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट में बोले सर कि इस टाइप का वीडियो मेरे को समझ में आता है। तो बहुत सारे थ्योरिकल वीडियो, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गया, आईजीबीटी हो गया, इंडक्शन के सेंसर हो गया, उस टाइप के मैं थ्योरिकल पहले बताऊंगा क्या होता है। अगर कुछ भी चीज़ को बताने से पहले उसके थ्योरी को जानना जरूरी है। तो अगर उसका थ्योरी को आपको पता चल जाएगा तो आप कैसे भी उसको रिपेयर कर लोगे। तो मेरा ये बोर्ड के ऊपर आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल बताऊंगा, उसके बाद आपको डायग्राम बताऊंगा, तब आपको अच्छे से कैच करोगे। तो ये वीडियो मेरे को कैसा लगा आप मेरे कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे कि आने वाले समय बहुत सारे उपकरण के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको देने वाला हूँ, और मेरे साथ आप जुड़ जाए, राइट। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।